निधि झा की महिला प्रधान भोजपुरी फिल्म कालिक की शूटिंग भदोही में हुआ शुरू। नमस्कार, मैं हूं विश्वंभर मिश्रा और टाइम फैक्स न्यूज में आपका स्वागत है। करोड़ों दिलों की धड़कन भोजपुरी सिनेमा की लुलिया गर्ल निधि झा की मुख्य भूमिका वाली भोजपुरी फिल्म कालिक की उत्तर प्रदेश के भदोही जिला में मुहूर्त करके शूटिंग शुरू कर दी गई है। तरुण एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही फिल्म की प्रोड्यूसर राधा राकेश मिश्रा हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में कुणाल सिंह, अरविंद अकेला कलू, यश कुमार, लाड़ो मधेसिया और देव सिंह जैसे कलाकार भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म के मुहूर्त के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि भदोही के विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के हाथों क्लैप दिया गया। उन्होंने फिल्म के निर्माता, निर्देशक एवं पूरी यूनिट को बधाई देते हुए बहुत सारी शुभकामनाएं दी और फिल्म के शूटिंग में हर प्रकार से सहयोग देने का वचन भी दिया। लोग ऐसे हैं जो रेप पीड़ित हैं, जिनका रेप हुआ है बट उन्हें जज या कहीं से वो नहीं मिल पाया, न्याय नहीं मिल पाया है, तो उनका दर्द और उसके आगे भी समाज, अगर न्याय मिल भी गया है तो समाज उसे एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, यह कैसा रिएक्शन होता है समाज का, इस छोटा नहीं बोलूँगी, बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस फिल्म से लोगों को जागरण करने का कि जो लोग रेप करते हैं, आपके घर में भी माँ बहन होती हैं, आपके घर में भी परिवार होता है, उस लड़की का दर्द कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ वो लड़की ही समझ सकती है और उसका परिवार समझ सकता है। तो हम इस फिल्म के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि एक सोशल मैसेज दे, ताकि जो लोग रेप पीड़ित भी हैं वो अपने लिए न्याय ले, अपने लिए लड़े और झुक के काम ना करें, हमने कुछ गलत नहीं किया है, जो रेपिस्ट है उन्हें सज़ा दिलवाएं। तो इसी मुद्दे पे हम ये फिल्म बना रहे हैं और आशा करते हैं कि ये फिल्म जितने दिल से, जितने लगन से, जितने प्यार से हम सब, ये टीम वर्क होता है हम कर रहे हैं, उतने ही प्यार से और उतने ही ईमानदारी से आप उसको एक्सेप्ट करिए, ताकि हम और भी, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हमेशा कुछ नया लेकर आती हूँ और ये एक हटकर स्टोरी है, और वो नया को तभी न्याय मिलेगी जब आप सब अपने परिवार के साथ उस फिल्म को देखें और फिल्म के साथ हमारी स्टोरी को समझेंगे। आगे हमारे डायरेक्टर बताएंगे। स्टोरी से रिलेटेड तो निधि जी ने बताया ही आपको, तो स्टोरी फिर रिपीट करने का मतलब नहीं है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा निधि जी का, जिन्होंने, क्योंकि वो जितने भी डिफरेंट स्टोरी होती है तो मना नहीं करती है, और जब मैंने अपना स्टोरी लेके इनके पास गया तो इन्होंने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को और शाबाशी भी दी कि हम प्रोड्यूसर को भी और मुझे भी कि हाँ हम इतने एक मुद्दा लेके आ रहे हैं। और साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यहाँ के विधायक साहब जी का, जो हमें एक मजबूती मिला है इनके बातों से कि सब्सिडी को लेकर के और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट स्तर से लेके इनके स्तर से लेके हमें सपोर्ट मिल रहा है। एक ज़रूर मैं एक बात कहूँगा जो हमेशा उठता है भोजपुरी के बारे में कि एक बुद्धिजीवी वर्ग कहीं ना कहीं कटे हुए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप पिछले 2-3 साल पहले जा कर के और अभी के फिल्म जो बन रही फिल्में हैं उन पर आप नज़र दीजिए, तो कुछ ना कुछ अलग बन रहा है। हम भी अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत हमारे जैसे और भी लोग हैं भोजपुरी में बैठे हुए जो सिनेमा की दशा को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो बुद्धिजीवी वर्ग अपने आप को मानते हैं कि इस चीज़ को थोड़ा सा निचले स्तर पर देख के और इसे करते हैं जुड़े, हम निराश नहीं करेंगे। बस मैं इतना ही करना चाहूँगा। ये फिल्म कितने दिनों बन के तैयार हुई? ये फिल्म हम यहाँ इस अगले महीने तक शूटिंग करेंगे और 1-1.5 महीने हमारा पोस्ट का काम चलेगा। यहाँ शूट करेंगे। ये कहाँ चलेगा? जिले में, प्रदेश में, कहाँ? ये हम, हमारी फिल्म पूरे ऑल ओवर इंडिया के साथ ओवरसीज भी जाता है, कुछ आउट ऑफ इंडिया के कंट्रीज भी है जहाँ हमारी फिल्में दिखाई जाती है। मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जैसा कि ये फिल्म जो है विमेन ओरिएंटेड है, हमारे विधायक जी आए हैं, दर्शकों का और सभी को मेरा प्रणाम है। आप सभी का सपोर्ट चाहिए और उसकी अपेक्षा रखते हैं। दूसरा धन्यवाद करूंगा हमारे रविंद्र त्रिपाठी विधायक जी का, जिन्होंने यहां आकर के हम लोगों का मन